आपको बता दें इटावा में उसराहर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव गपचिया निवासी मनोज जाट उम्र 40 वर्षीय की 15 नवंबर 2024 की रात को हत्या कर दी गई, जिसकी लिखित शिकायत थाना उसराहर पर की गई थी, जिसमें बताया गया कि पत्नी पति के साथ सो रही थी। इसी दौरान रात को कुछ लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी। घटना का खुलासा करने के लिए SSP के निर्देश पर पुलिस टीमों का गठन किया गया। मृतक मनोज कुमार की पत्नी से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हमारा राहुल के साथ संबंध है और ये बात हमारे पति को पता चल गई थी। इस कारण राहुल के साथ मिलकर अपने गांव के ही विकास कुमार जाटों को 2,50,000 रुपए की सुपारी दे दी थी, जिसमें से 27,000 रुपए एडवांस के रूप में विकास को दे दिए थे। इसी कारण षड्यंत्र के तहत पति की हत्या की गई। पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने एक अभियुक्त एवं अभियुक्ता राहुल पाल और को गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त की निशानदेही के आधार पर आला कत्ल, एक लकड़ी का बैट एवं लोहे की हसिया बरामद हुआ है। देखिए, उसराहर में परसों एक व्यक्ति मनोज जाटो की हत्या हो गई थी और उसमें जब FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई जब संपन्न हुई तो चोटों के आधार पर निरीक्षण परीक्षण हुआ और तमाम जब और तथ्यों के आधार पर हमारी जो SOG सर्विलांस की टीम पहुंची, साथ ही साथ वहां पर हमारी फॉरेंसिक टीम पहुंची तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसके आधार पर ऐसा शक हुआ कि घर के ही लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इस पर कड़ाई जब पूछताछ की गई तो महिला ने, जो उनका मनोज जाटो की मृतक की जो पत्नी है, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ उनका एक कथित प्रेमी है राहुल तथा उन्हीं के गाँव का एक विकास नाम का व्यक्ति है जिसमें शामिल घटना बताया जाता है। इन्होंने जो खूंटी होती है, हसिया की खूंटी, उसका इस्तेमाल किया गर्दन काटने में और साथ ही साथ जो बल्ला होता है जिससे कपड़े वगैरह धुलते हैं, बैट होता है, उस बैट से मारने का भी इन्होंने गुनाह स्वीकार किया है। पत्नी ने जो है कंबल से और कपड़े से पकड़ने का भी जुर्म स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है तथा अपने पति की हत्या में पत्नी और उनके कथित प्रेमी को राहुल को आज 103 BNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये युवक जो है, जो आरोपी है, हत्यारोपी, ये जो पत्नी का प्रेमी बताया जा रहा है, ये गोद ले लिया गया था, किसके द्वारा गोद लिया गया था और कब गोद लिया गया था? जैसा कि आप हमने आपको अवगत भी कराया और साथ ही साथ ये भी पूछताछ से सामने आया कि 4-5 महीने पहले इनको गोद लिया गया था, पति द्वारा ही लिया गया था, चूँकि उनके संज्ञान में आ गया था कि इनका अपना रिश्ता चल रहा है, जिसके आधार पर जो है एक दूसरे को प्लान कर रहे थे एक दूसरे को मारने का। तो इसको संज्ञान में राहुल के आ गया कि इससे पहले कि मुझे मारे, मैं अपनी पत्नी, उनकी पत्नी से, मृतक की पत्नी से मिल करके, और एक गांव के ही अपराधी व्यक्ति, उसका आपराधिक इतिहास भी है, विकास नाम का व्यक्ति है, उससे मिल करके इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ठीक है।